चौहान एंटरटेनमेंट चैनल देखने वाले सारे ही दर्शकों मेरे वालों जनजीत हजीत वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों चैनल के बेहद खास प्रोग्राम आमो सामने मुलाकात में इस बार असं गलबात कर रहे हैं पंजाबी दे लेखक मोहन शर्मा जी नाल जो कि नशा छड़ाऊ केंद्र संगरूर के प्रोजैक्ट डायरैक्टर हैं। आओ स्वागत करते हैं मोहन शर्मा जी। शुक्रिया हरजीत जी। शर्मा जी साढ़े चैनल समा देने लिए असं तुहाडा बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों अज असी गलबात करांगे एक बेहद गंभीर समस्या जो कि नशियां दी है, किवें नौजवान नशियां दी दर्द दे विच फसदे ने ते किस हद तक वो जीवन पैसा ते जिहड़ा अपने सेहत है वह जाया जा सकदे। शर्मा जी आपां शुरुआती तौर दे विच जे एक सवाल यही करिए, किस नौजवान की गाथा तुसीं सानूं दसोगे जिसने बहुत ज़्यादा पैसा खराब किया होवे इस दर्द दे विच, उहदा जिक्र जरूर करो। हरजीत जी उंज तां इह 2005 तो नशा छुड़ाऊ केंद्र खुल्लिया ते इस समय के दरम्यान 2005 तो 2020 आ गया अनेक नौजवान साढ़े कोल आए हैं ते अनेक नौजवानों की कहानियां ने जिहड़ियां वक्त वक्त तरह दी लड़ियां होईयां ने समाज विच। तुसीं विशेष तौर पर मैनूं कहा है कि मैं एक नौजवान की गल करा, यह 2017 की गल है। 2017 दे विच यूके तो मैंने टेलीफोन आया सी, एक लड़की का अथरुआ भिजी आवाज़ सी उस लड़की की, तो वह कह रही थी भी मेरा भरा इतने पंजाब च आया हुआ है, असी इधर यूके च रह रहे हैं, तो उस भरा को इन्ना सानू पता है भी 1,70,00,000 रुपया से जदों पंजाब के आया है, तो घट तो घट उन्हें कमाया 6-7 कंट्रिया घूम के पैसा कमाया, तो इतने जोड़े मेरे माँ बाप ने आमद तो कुछ समा बाद ही गुजर भी गए सी, हूँ वो पैसा भी बर्बाद किया, तो होर सारी जायदाद जी थोड़ी मोटी सी उन्होंने भी उन्हें थोड़ा लाना शुरू कर दिया, तो नशा की दलदल बुरी तरह फसया होया। जो उन्हें दसिया चीज़ से भी हैरन चिट्टा ये लै रहे, मैं कहा भी उन्होंने एक बार असी देखे तो बिना तो कोई नहीं गल कर सकते भी एक बार उन्होंने कहो साडे नाल संपर्क कर, कोशिश करांगे भी अज तू जिस तरीके रूम हाकी हालत गल कर रही है जो फिर गल करे तो तेरी आवाज़ तो हासे की झलक मिले, कोशिश करांगे असी अपने वो। वो लड़का दूजे दिन ही साढ़े को आ गया सी, उहदे नाल रिश्तेदार से जो काउंसलिंग जो कुछ साढ़े सामने आया जो कुछ लड़की ने कहा उहदे नाल मेल खांदा सी उस दा, दो तीन गल्लां जदों असीं पुछनियां होंदियां ने काउंसलिंग उहदा सी भी सर मैं बड़ा कुछ गवा लिया ते हुण मैं इलाज तुहानूं तुहाडे कोलों करवाउणा चाहुंदा। जिहड़ी उसने गल दसी कि बिल्कुल मेरी भैण ने जिहड़ा दस्सिया कि इन्ना पैसा मेरे कोल सीगा उह भी मैं बर्बाद कीता, एक घोड़ी सी बड़ी खूबसूरत घोड़ी है जिहड़ी उहने जो दस्सिया, फिर उह लड़की नाल भी मैं कन्फर्म कीता, उह घोड़ी 30-35 लाख दी सी, दर्शनी घोड़ी, ते वो आप भी वो दस रहा सी भी या तो बादल फैमिली है या फिर मेरे को हूँ 30-35 लाख की घोड़ी सिर्फ नशे की पूर्ति वास्ते उसने 3 लाख रुपए ने बेची है, तो उंज भी हरजीत जी हुंदा है भी नशेई नूं जो तोड़ लगती है इन्हां तो 5 लाख का कम 5,000 रुपया दे के करवाया जा सकता, तो उही कम उहदे नाल भी वापरिया, तो उहनूं असीं क्योंकि एक विदेशी अर्थ लड़की के अथरू भी मेरे सामने सन, इधरों बर्बाद होया लड़के की कहानी भी सी, तो असी उन्होंने इमीडिएटली हथ पा लिया, हथ पा के वो 1.5 महीना साढ़े को रहा, तो वधिया लड़का बना के असी तराश के उसको उतो भेजा सी। दो गल् होंदिया ने आम जेन चाह दिता है भी जोड़ा इस तरीके चिट्टा भी करता करोड़ों रुपए भी बर्बाद करते हो, यानी एक्सप्रेसी उन्हें रज के की उदों जदों उदों काउंसलिंग का समा हुंदा सी साडा, दो गल्लां नेगियां, देखो जे मरीज़ नूं असीं ठीक करना है तां उहदे वास्ते दवा प्लस दवाई दोनों का समेल होना जरूरी है, कलियां जे असीं कहीए दवाइयां का डमरू बजाता तो उहनूं दवाइया लिखतियां जां दवाइयां देतियां वी उह ठीक होएगा, जिन्नी देर वो लड़के दे अंदर जिंदगी जीउण दा चाह नहीं पैदा, जिन्नी देर उहदे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं पैदा होंदी, जिनी देर वो अंदर अपना भविख सुधारण का बीते हुए समय से पश्चाताप की सोच पैदा नहीं होंगी उन्नी देर वो नशा मुक्त नहीं हो, ड्रामे हो गए मेरे मुताबिक है, तो वो असी तिना पर फोकस किया गल मान लीए, उन्होंने धर्म भी जोड़िया,
ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਠ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਆਮ ਹੋ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਚਾ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਨਾਲ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਚੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਪਾਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਅਤੇ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਥਾਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਾਨਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕਾਰਨ। ਯਾਨੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੰਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਵੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ ਟੂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਹਾਈ ਫਾਈ ਜੀਵਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਰਾਟੇਦਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਉਸਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਲਦਲ 'ਚ ਘਸਣ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਖਿਆਲ ਦੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਖਿਆਲ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਝੁੰਡ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸਮਾਜ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡੋਬਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 10,000 ਆ ਗਿਆ ਹੱਥ 10,000 ਬਰਬਾਦ, 20,000 ਆ ਗਿਆ 20,000 ਬਰਬਾਦ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਇਹ ਧੰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਰਹੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੱਪਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ?
देखो कलियां दवाइयां जी जी जेड़ा दवाइयां दा है इन्हें दवाइयां दा नाम दिता दवाइयां नोल दवाइयां नाल मरीज है जेड़ा नशा करन वाला मरीज है ये नहीं ठीक है। अच्छा जदों इस दे इहनूं घट तों घट धर्म नाल असीं जोड़ांगे साहित नाल जोड़ांगे किरत दा संकल्प देवांगे ते इहनूं जिंदगी जिहड़ी इहदी जिंदगी बीतगी उस प्रति झोरा दे के इन्हां दी सुत्ती आत्मा नूं जगावांगे इन्हां दी सुत्ती जमीर नूं जगावांगे जिहड़ा कुछ इह कर गया उहदे पछतावे की झलक दसांगे कि आह कुछ तू जिंदगी दे विच कर गया आने वाले संभाल समय नूं संभाल फिर नतीजे ने जिहड़े साथ दूजी मैं गल मैं कहांगा जदों तुसीं इह कहता इह गल वी मैं कहांगा कि जिहड़े नौजवान इन्हों का प्रवाह जो ये आ गया भी तुम इलाज का हिस्सा की है इन्हों का प्रवाह है जोड़ा वो हड़ा के पानी बढ़ता है हड़ा के पानी ने जो वग रहा होंगे ना तुम भी थोड़े भी जेब है भी इन्हों जे अं हड़ा के पानी नहीं रोकेंगे या तो साढ़े घर चाहिए बर्बादी या फिर फसलों की बर्बादी दोनों पास आर्थिक हो रहा है आर्थिक हो रहा बर्बादी हूँ जे उस पानी असी संभाल के रजवाहें च पा दीए नालियाँ च पा दीए नदियाँ च पाइए उस तो बाद सिंचाई के काम भी आएगा बेली पैदा करने के काम भी आएगा मल्टीपल काम ये होंगे इस तरीके ज्वानी है ज्वानी के वेग में जे असी सही दिशा दें सेध दें ये तो वो नतीजे ने जो सही आ रहे हाँ डेढ़ क महीना सी साडा समाज ठीक है इस लड़के का जब उन्हें भेजा गया फिर मैं लड़की नाल गल की उस खुशी कह रही थी भी सर फिर द्वारे कह भी कपू तो मैं लैन आ जा चुकी तो मैं फिर कहा फिर याद है वो गल भी इस चाही मैं जी है भी उस लड़के वे को कुछ है नहीं जो छड़ के गए वो तो कोई रिश्तेदार आके छड़ गया फिर मैंने लड़की ने कहा हालांकि साढ़े धर्म नहीं भी तुम प्लीज़ इन किराया दे के भेज दौ तो किराया जिन्ना लगे मैं तुम्हें और इतों बद बद पैसे अकाउंट पा दे मैं कहा बेटा भी जैसे तू पुत बनाता दोस्त बनाता तो इन्ना एक तो अभी भी कर्म साडा है भी असं किराया पूरा दे के भेजेंगे उन्होंने किराया दे के रिस्पैक्टफुली गेट तो तक विदा कर गए हाँ गल तो वे हार पाया उन्होंने एक सुनेहा दिता है भी तू ठीक होया तो तेन आ रिस्पैक्ट मिल रही है जो तू दल दल दसा उसे उदो तेन कोई डेलिया बटे नहीं सीचा यानी असं एक सुनेहा जान लगे भी रिस्पैक्ट नाल दें जो मरीज नशा मुक्त होंगे गल च हार भी पाने कलैपिंग नाल बैठ के मैं बराबर चाह भी पीना वो तो उस तो बाद विदा करते हैं रिस्पैक्टफुली ताकि पिछला जीवन तो हूँ के जीवन का पता लग जाए कि हूँ कि अंतर है इस तरीके मैं रिस्पैक्ट मिली है हर तरह का सवाल है जिन्होंने पुत है घर के वारस लगे नशे के इस टाइम फसे हुए हैं वाकई नशा छड़ना औखा है एक मतलब सिर धारना भी नशा छड़े जा सकता देखो पहली गल तो आम इस समाज के दो गल् भी जोड़ा लग गया है नशा इन छड़ा नहीं जा सकता दूजा जो छड़न की गल आएगी तो कोई पासा ना मर जाए अगर मर जाए ये आम लोगों ने हालांकि ये दोहे गल् मैं जो जिम्मे नौजवान वाली गल की भी दोहे गल् ने जड़िया जी अंग मरण वाली गल है ये नहीं होंगी दूसरा छड़िया भी जा सकता साडा दृढ़ संकल्प चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए दूजी गल होंगी है अजीत जी असं आम कहने भी हाँ भी देखो जो तुम कहो वो इलाज नहीं है भी मरीज को फड़ के अंदर कर दो कह दें जी अंदर कर दो अंदर कर दो बिल्कुल नहीं जिनी देर असं देखते हैं भी ये जो मरीज आता है जिम्मे आप ही आ गए साढ़े पहले पहली निशानी सी भी जो एक रिश्तेदार नाल लेके आ रहा है तो यद मतलब है छड़ना तो चाहता है जरा अंदाजा कर ले दूजे मैं अक्सर यह भी कहना हूं भी कोई जे असी किसी कहूँ भी चक के लै आईए जब बिल्कुल नहीं वो सानू जो चीची भी बनाऊंगा अभी पहुंचा फल ये तो कर लेंगे मोटीवेशन ना पर धक्का असी नहीं करना बिल्कुल नहीं करना उन्होंने समझा रही है प्यार ना तो कई देर तक गल् करते हैं जो करते होंगे काउंसलिंग तो अखा चथरू होंगे अखा चथरू जो उन्होंने जो पलने वो तो वह आप ही कह देंगे कि सर मेरे सामभ लो वो फलों असं सामभ नाल दा कहते सानू सामभ लो जो अं कहने ठीक है पुत आ जा चिंता कितनी फिर वो कहते होंगे भी सर कलू आ जाए मैं हूँ नशे ही मरीज की कल कदे आई नहीं असं उन्होंने फलों सामभ लें देखो रिजल्ट सारे सामने बहुत सोहना कार्य कर रहा दोस्तों ये दो करोड़ तो ज़्यादा जो पैसा बर्बाद करने वाले नौजवान की गाथा
मोहन शर्मा जी होर बारे जे आपां गल करिए, इन्हां ने पंजाबी साहित नूं 20 दे करीब किताबां दित्तियां ने ते पंजाबी दे वक्ख वक्ख अखबारां विच इन्हां दे आर्टिकल इन्हां दे लेख अक्सर पढ़न सुणन नूं मिलदे। अगले हफ्ते किसी होर अदीब शख्सियत नाल गल्लबात करांगे। शर्मा जी, साडे तुहानूं समां दित्ता, तुहाडा बहुत शुक्रिया।